नमस्कार प्यारा हिंदुस्तान, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पूरे देश भर से लोग जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई साइकिल लेकर के आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई अपनी जो है मोटर बाइक से आ रहा है। इसी बीच एक अनोखे यहां पर हम आपको जो यात्रा का जिक्र अभी बताने वाले हैं। दरअसल रतन है हमारे साथ, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं और साइकिल चला करके आए। लेकिन सबसे अहम बात, इनकी साइकिल में आप देख सकते हैं लगातार जो है श्री राम जी की आरती के साथ साथ जो है उसके बाद जो है वो मोदी योगी की आरती भी ये करते हैं। इस समय हाथ में उनके थाली आप देख सकते हैं और पीछे बहुत बड़ा चित्र जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगाया गया है। आइए जानते हैं उनसे ये अनोखा जो उन्होंने यहाँ पर तैयारी की है। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, कोई अहमदाबाद से हैं, उनसे भी सबसे एक एक करके बात करेंगे। जी रतन जी, ये बताइए यहाँ के लिए आप आए अयोध्या के लिए, तो साथ में ठीक है श्री राम जी की आपने जो है यहाँ पर आरती का बार बार आरती आप कर रहे हैं जब भी आते, मोदी योगी क्यों? प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो साक्षात योगी जी और मोदी जी के स्वरूप में धरती पे हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये संदेश सारे राम भक्तों तक पहुँचा देना और साइकिल यात्रा करते हुए मैं दिल्ली से अयोध्या की ओर चल पड़ा। जैसे आपने बताया कि आपके सपने में आए, तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि मेरे सपने में आए और मुझे कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में नाटक हो रहा है, डोंग हो रहा है वहाँ, तो जो है उस मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे ने, तेज प्रताप यादव भी तो भगवान श्री राम ने मना किया होगा इसलिए क्योंकि इनकी शुरू से सनातन के प्रति जो है मनसा जो है इनकी जो है कि देश रहेगा, ये लोग शुरू से सनातन के विरोधी रहे हैं, इसलिए प्रभु श्री राम ने मना किया कि आप लोग नहीं आइएगा। तो अभी वापिस कब दर्शन करने के बाद जाएंगे? दर्शन तो 5 बार कर लिए हैं, 5 बार कर लिए हैं प्रभु श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद? प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद। प्रभु श्री राम ने सपने में आके जो कहा था कि मैं खुद मोदी जी और योगी जी के स्वरूप में हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, इस बार प्रभु श्री राम ने कहा इस बार मेरी इच्छा है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने। ये भी संदेश जो है सारे राम भक्तों को देना है और इसलिए मोदी जी और योगी जी की आरती करता हूँ मैं, उनको दूध से दुधाभिषेक करता हूँ। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद से भी आए हैं, अहमदाबाद टू राम मंदिर अयोध्या। कब निकले थे सर अहमदाबाद? हम सर 21 दिसंबर को रवाना हुए थे और 3 दिन पहले यहाँ पहुँच गए थे। हमारा सारा एक ही ग्रुप है, ये भैया दिल्ली से हमारे मित्र हैं और हमने करीब करीब 1500 किलोमीटर की ये जर्नी की और यहाँ आने के बाद वो अनुभूति हो रही है जो शायद मैंने जीवन में कभी पहले कभी देखा नहीं, महसूस भी नहीं किया था। और आज आप सब देख ही रहे हैं क्या भव्य। पहली बार आए हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ। कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे? अनुभव तो ऐसा हो रहा है मैंने स्वर्ग देखा नहीं है, खाली किताबों में पढ़ा है। अगर स्वर्ग कहीं धरती पर है तो वो शायद यही है, अयोध्या में स्वर्ग आप ऐसा महसूस हो रहा है। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी क्या नाम है? संदीप मंदियान। कहाँ के रहने वाले? यही अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या वासी है, क्या कहेंगे अभी? अयोध्या वासी हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार कहाँ के रहने वाले? सर हम अयोध्या के रहने वाले। बहुत जोश उत्साह पूरे देश पूरी दुनिया में है कि हम लोग यहाँ शहरों से जाके बाहर शहरों में घूमते थे, अब यहाँ से अयोध्या हम लोग का टॉप पे हो जाएगा, योगी और मोदी जी कर देंगे और इसी के हमें गर्व है कि हम लोग अयोध्या वासी हिंदू धर्म है। जय श्री राम। योगी मोदी जी कर रहे हैं, कोई ना कोई तो कर ही रहा है, कारक तो योगी मोदी जी हैं। और रही बात अयोध्या की, क्या स्थिति बदली है, तो स्थिति तो आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए। सारे मीडिया चैनल आज मजबूर होकर के अपने तो को केंद्रित कर रहे हैं अयोध्या की ओर और आज पूरा विश्व का केंद्र बन चुका है, एक नया पर्यटन केंद्र बन चुका है, अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है, आस्था का केंद्र बन चुका है और विरासत के साथ विकसित होता हुआ हमारा अयोध्या है जिसको लेकर के हमें पूरा गर्व है। और सभी हम मिल करके फिर से कहते हैं जय श्री राम। हम तो एक महीने से यही है, हम तो एक महीने से जब कोई नहीं था तब भी घूम घूम के दिखा रहे थे अयोध्या का विकास। हम रोज रात को आते हैं, सुबह बदल जाती है अयोध्या। जी हम लोग हरियाणा से आए हैं। अच्छा। रोज गली हमारे साधु यहाँ पर कल ये भूल गए जबकि ये यही रहते थे, यहाँ से पढ़ा, यहाँ से अध्यापन करने के बाद यहाँ रामायण लगाए 3 साल रह करके। और अयोध्या पलवल जिला पड़ता है हरियाणा में, वहाँ गए और कल वहाँ जब गए यहाँ पर हम लोग आए और जब ये गली से निकले तो ये कुंज गली, ऐसा कुंज गली हो गया है कि ये चले गए रेलवे स्टेशन वहाँ। तो ऐसा रोज नित्य, आप सही कह रहे हैं कि नित्य परिवर्तन हो रहा है।
नित्य परिवर्तन हो रहा है और राम राज्य की स्थापना जो कहा जाता है ना वो सारी हो चुकी है। क्योंकि राम राज्य में क्या होता है कि हम आपस में सौहार्द आपस में जाति जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई, तो आज वही हो रहा है। ये परिकल्पना सत्य हो रहा है। जिन्होंने गोली चलाया उनको निमंत्रण दिया गया, जिन्होंने हमारे साथ भगवान के लिए लड़ाई किया मुकदमा लड़ा उनको भी सम्मान जाकर राम जी के अस्तित्व पर जिन्होंने सवाल उठाया हाँ उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। यही तो हमारे राम जी की विशेषता है और यही राम राज्य की परिकल्पना है। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि अब आजकल कहा जा रहा है कि राम को राजनीति की जा रही है, राजनीति का विषय बनाया जा रहा है, तो क्या विपक्ष ने उसको काल्पनिक कह के राजनीति का विषय ना बनाया? एक विशेष समुदाय का वोट भर लेने के लिए, केवल वोट की राजनीति के लिए उन्होंने राम को काल्पनिक कह दिया। आज उन्हीं के मुंह पे तमाचा, सेतु को तोड़ने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो यही तो उसका रिजल्ट आया है कि आज हर जगह से जिन्होंने राम सेतु को छूने की बात की तो छू तो नहीं पाए, आज वो जरूर छू मंतर हो गए हैं पूरी दुनिया से। छू मंतर नहीं कुछ ना, हमें लगता है कि जब त्रेता और द्वापर जब युग में से ना कुछ रावण के अंश और कुछ कंस के अंश ये रह गए जो इस समय भगवान के अस्तित्व पर उठाए और उनकी समाप्ति इस बार एकदम छू मंतर हो जाएगी कल युग में। जय श्री राम। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं राजीव तिवारी। कहाँ के रहने वाले? गया जी से, बिहार। गया जी से हैं, बिहार से गया जी। और गया जी का तो कनेक्शन है पूरा रामायणा से। आज जो हम जाते हैं वहाँ पिंडदान के लिए तो सबसे पहले जो है राम जी सीता माता सब गए और हाथ निकला दशरथ जी का। वो जो पिंड जो माँ सीता जी जो पिंड करने गए, मैंने राम भगवान गए थे तो जो हाथ निकला तो कहीं अनुपस्थित हो गए थे, इंतजार में बैठे रह गए। इंतजार में बैठे रह गए तो वहाँ पे फल्गु नदी के तट पे माँ सीता के द्वारा श्राप दिया गया, गाय बिष्टा खाएगी साक्षी के रूप में जो थे, कुत्ता को और फल्गु नदी को। फल्गु नदी में पानी कभी नहीं रहेगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गंगा जी से जल गया में गिराए हैं, गंगा जी का जल पाइप के द्वारा ला करके फल्गु नदी में गिराया गया। लेकिन अभी जो आरजेडी स्टेटमेंट दे रही है, जो लगातार आरजेडी के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं राम मंदिर को लेकर, उस पे आपका क्या कहना है? चाहे उसमें तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, डॉक्टर चंद्रशेखर हो। देखिए, सनातन का तो विरोध नहीं करना चाहिए, कोई भी हम हो या कोई भी हो, हिंदुत्व का ये राम किन्हीं का व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबों के राम है। जो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का इस पर कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए, राम भगवान सबों पार्टी के हैं, चाहे वह जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, माने पार्टी से नहीं ये होता है, जनहित का ये माने है, सबों के राम है भगवान पुरुषोत्तम राम, सबों के राम है। गया जी में भी तैयारी है भाई जन? गया जी में तो बहुत विशेष तैयारी, हम तो 14 तारीख को ही चले आए, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा जो 1008 कुंडिया हनुमंत यज्ञ जो हो रहा है, मैं उसी में जग में शामिल होने के लिए आया। और 22 तारीख बहुत बढ़िया मुहूर्त मिला कि 22 तारीख को भगवान राम का विग्रह स्वरूप माने जो मंदिर में स्थापित होने जा रहा है और 75वां जन्मोत्सव राम भद्राचार्य जी का मनाया गया जो हम लोग मनाइए। बिल्कुल, राम भद्राचार्य जी का योगदान कोई कैसे भूल सकता है।